नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेट अभ्यास कुश्ती का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं की पर्यावरण विषय का पाठ तेरह। पाठ तेरह का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी व्यक्ति को ठंडे स्थान पर जाना है, उसके पास सामान ज़्यादा भारी हो गया है। आप उसे निम्न में से किससे बनी स्वेटर ले जाने की सलाह देंगी? तो इसका हम दूसरा विकल्प सही करेंगे, पश्मीना ऊन की। यह दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि वहां O2 यानी ऑक्सीजन कम होती है। दूसरा विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आपको पहाड़ पर एक टेंट में 2 दिन अकेले रहना हो तो आप कौन सी समूह की चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे? इसका आंसर होगा स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और सूखा खाना। चौथा विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर का एक परिवार डल लेक से मछली पकड़ता है, पानी में उगने वाली सब्जियां उगाता है व खाता है, साथ ही कमल के फूल टूरिस्ट को बेचता है। यह परिवार किस प्रकार के घर में रहता होगा? तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, डोंगा। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, लेह के घरों की दीवारें खालिस्तान से बनी होती हैं और खालिस्तान से पुताई की हुई रहती है। तो यहाँ पहले खालिस्तान में लिखेंगे हम पत्थर और इस खालिस्तान में लिखेंगे मिट्टी। दूसरा खालिस्तान है, तापमान को खालिस्तान में लिखते हैं तो तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। तीसरा है, रेबो टेंटों को खालिस्तान के बालों से बनाकर तैयार करते हैं तो इसको याक के बालों से बनाकर तैयार करते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे हम याक। चौथा है, चांगपा के लोग व्यवसाय के लिए खालिस्तान व खालिस्तान का पालन करते हैं, इसमें लिखेंगे हम पहले खालिस्तान में भेड़ और दूसरे में लिखेंगे बकरियों का पालन करते हैं। पाँचवा खालिस्तान है, श्रीनगर में आए पर्यटक खालिस्तान में आकर रुकते हैं, इसको में लिखेंगे हम टेंटों में आकर रुकते हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? इसका उत्तर है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है। तीसरा प्रश्न है, लेह कैसा इलाका है? इसका उत्तर है, लेह एक ठंडा इलाका है। चौथा प्रश्न है, चांगपा लोग एक जगह पर नहीं रहते क्यों? इसका उत्तर है, जीवन यापन के लिए भेड़ बकरियों को लेकर घूमते रहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आगे हैं। पांचवा प्रश्न, चांगपा के लोग जानवरों पर किस प्रकार निर्भर रहते हैं? इसका उत्तर है, भेड़ और बकरियां उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनका जीवन खाना पहनना रहना सब उन्हीं पर निर्भर है। आगे छठवां प्रश्न है, पहाड़ व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं? इसका उत्तर है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर घने व लंबे बाल होते हैं। सातवां प्रश्न है, तासी के इलाके के लोग सर्दियों में घर की किस मंजिल पर रहते थे और क्यों? इसका उत्तर है, नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है तो नीचे की मंजिल पर रहते हैं। आठवां प्रश्न है, आपने किस किस प्रकार के घर देखे हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, रबर बांस सुर्ख पत्तियों तथा मिट्टी से बना मकान, ईंट तथा सीमेंट से बना मकान, बांस से बना मकान। यह तीन प्रकार के मकान यहाँ लिखिए। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नौवां है, दिए गए भारत के मानचित्र में मुंबई से दिल्ली जाते समय पढ़ने वाले राज्यों को खोजकर अलग अलग रंगों से दर्शाइए। छात्रों, यहाँ हमने मुंबई से दिल्ली तक के लिए रास्ते में पढ़ने वाले राज्यों के नाम लिखे हैं। आप यहाँ कलर पेन से भी इन्हें दर्शा सकते हैं। यह है मुंबई, मुंबई जो है महाराष्ट्र में है, तो पहला राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर मुंबई से ऊपर जाएंगे तो आएगा गुजरात, यह दूसरा राज्य। फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा से भी राजमार्ग जाता है। फिर राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश और यह हो जाएगा दिल्ली। इस तरह से यह 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यह राज्य जो हैं
मुंबई से दिल्ली के रास्ते में जब हम जाएंगे दिल्ली तक, तो यह इतने राज्यों की सीमा को हम पार करेंगे। प्रश्न 10वां है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां गर्मी अधिक होती है, आबादी बहुत कम है और ऊंट और बकरी पाए जाते हैं, जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां के लोगों का जीवन कैसा होगा? अपने विचार नीचे लिखे बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जैसे घर मिट्टी रेत और गोबर की दीवार वाले घर होंगे, भोजन बकरी खजूर मक्खन आदि, व्यवसाय कृषि और पशुपालन, यातायात का साधन जो होगा बैलगाड़ी और यहाँ ऊंट गाड़ी यातायात का प्रमुख साधन होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 13 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।